जय हिंद दोस्तों। इस वक्त की दुखद खबर देश के जवानों की तरफ से राजस्थान के दौसा जिला से निकलकर आ रहे हैं। राजस्थान दौसा जिला का लाल कालूराम मीणा हमारे देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। शहादत की सूचना घर पर पहुंचते ही पूरे घर पर मातम पसरा हुआ है। पूरे परिवार परिजनों को रो रो कर हालत गंभीर है। वाकई में दोस्तों, जब कोई फौजी हमारे देश के लिए शहीद होता है तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प कर रोते हैं। बताया जा रहा है कि शहीद जवान कालूराम मीणा राजस्थान का दौसा जिला का रुकरंद का वीर सपूत था और यह जवान हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि शहीद जवान कालूराम मीणा का पिता कैलाश चंद मीणा सुपुत्र अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए असामान्य घटना स्थल पर जवान का शहीद होने की खबर आते ही पूरे ग्रामीणों में मातम छा गया है। शहीद जवान कालूराम मीणा का बताया जा रहा है कि कल शहीद जवान का जवान के वाहन के द्वारा इनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव रुकरंद लाया जाएगा। वहां पर पूरे अंतिम यात्रा के साथ पूरे राजकीय सम्मान के साथ सशस्त्र सलामी देकर शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि शहीद जवान कालूराम मीणा बीते कई वर्षों से हमारे देश की लगातार सेवा देते आ रहे थे, लेकिन दुख की बात यह है कि यह जवान हमारे देश की रक्षा करते हुए आज वीरगति को प्राप्त हो गए। बताया जा रहा है कि यह जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों के दौरान यह जवान का आकस्मिक मौत हो गया। आकस्मिक मौत की खबर सुनते ही पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। पूरे दौसा जिला में शोक का लहर दौड़ पड़ी है। शहीद जवान का कल पार्थिव शरीर निवास स्थान रुकरंद लाया जाएगा। वहां पर पूरे अंतिम यात्रा के साथ पूरे शासकीय सम्मान के साथ सशस्त्र सलामी देकर शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वाकई में दोस्तों, जब कोई फौजी हमारे देश के लिए शहीद होता है तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर रोते हैं। अगर शहीद जवान कालूराम मीणा के लिए आप लोगों को जरा सा भी रिस्पेक्ट होगा तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मैं भगवान से यही विनती प्रार्थना करता हूँ कि शहीद जवान कालूराम मीणा को आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहने की सहनशक्ति दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शहीद जवान का अंतिम यात्रा में हजारों दस हजारों जनसैलाब उमड़े। शहीद जवान का अंतिम यात्रा में जाकर दस हजारों सैलाब भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे। अगर शहीद जवान के लिए आप लोगों को जरा सा भी रिस्पेक्ट हुआ तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।